गाइस वेलकम है सभी को मेरे चैनल पे। आज हमारे देवी मंदिर, हम लोग में जो देवी मंदिर आए हैं तो इतना सा रिक्स ही था। मैं ऑटो पे आई थी, जब एंडिंग वाली शीट पे कुछ पर दिखाई नहीं दिया, पर इतना रिक्स ही था तो इसलिए भी मैं आई हूँ। आप देख सकते हैं देवी मंदिर की सीढ़ियाँ है, अभी हम जा रहे हैं। देखिए मंदिर का सीढ़ियाँ है और नीचे मंदिर है। ये व्यू तो बहुत सुंदर है यहाँ है, ये देख सकते हैं। अच्छा व्यू, ये व्यू बहुत ही सुंदर है। सीढ़िया भी बहुत ज्यादा सीढ़िया है, बाइक भी जा सकती है इधर से। हाँ जगह बहुत सुंदर है, ये देख सकते हैं। ऊपर से नीचे देखेंगे तो चक्कर आ जाएंगे जब फर्स्ट टाइम आए। ऐसे हमारा तो हैवी है, हम नेपाल वगैरह जाते रहते, नेपाल में ऐसा ही है। और यहाँ देखिए बहुत तेजी हवा, ठंड बहुत है। अभी थोड़ा सा धूप निकला हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा धूप। देखिए देखिए व्यू बहुत सुंदर है। मैंने भी मैं पहली बार आई हूँ, मैं भी, मुझे तो बहुत सुंदर लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पहाड़ में भी लोग बैठे, देखिए वो भी इधर का व्यू दिखा सकते हैं। नेपाल देख सकते हैं, मोबाइल ही गिर जाएगा जैसा हो रहा है। आधा ही देखियो, आधा नेपाल देखियो है। माता ये तारा वर्ष ये मंदिर है गाइस, मंदिर का गेट है। उठा उठा उल्टा उल्टा बा हम एंट्री हो चुके हैं। जगह है, हम अभी अंदर एंट्री कर चुके हैं। बाहर घंटी वंटी चला के बजा के ये देखिए शिव का मंदिर है और सारा मंदिर से मतलब मूर्तियाँ रखे हुए हैं और ये अंदर की तरफ जा रहे हैं। और ये पत्थर देखिए, पोस्ट देखना रेड रेड कलर का, ये खुद ही हुआ है और ये बहुत सत्य का मंदिर है। ये बाहर का है, देखिए हम सब लोग बाहर है, अब सब आ रहे हैं अंदर। ये देखिए कितने अच्छे से मूर्ति सजाए हैं, अच्छे अच्छे पत्थर के बना के, पर जो अंदर है वो रियल है, फैक्ट है। एक पत्थर के अंदर जो है देवी माता, तो वो रियल है। हाँ ये पानी देख रहे हैं, ये रोज़ निकलते रहता है और ख़ुद निकलते रहता है। ये बहुत सत्य का मंदिर है, आप लोग भी आओ कभी दर्शन करो आगे हफलोंग में, बागेटर में है ये मंदिर। और ये मेरा भाई है जो पानी को छोने के लिए गया, और यहाँ पत्थर है वो खुद निकला हुआ देवी माता के रूप में खुद निकला हुआ है। अभी वो पत्थर भी दिखा रही हूँ, ये देखिए। और ये यहाँ सिंदूर हम लोग चढ़ाते हैं ना, वहाँ सत्य है बोला गया, तो ऊपर देवी माँ के सर पे लग जाता है सुबह, तो ये सत्य का है पूरा। और जी ये देखिए, ये जो दुपट्टा चुन्नी चढ़ाया है ना वहाँ पे लग जाता है। और यहाँ ये रेटेड पोस है ना, खुद ये पोस, दो पोस और मंदिर वो देवी माँ का जो है वो खुद निकला और ये सब बनाया गया है, बाद में बनाया है। तो देखिए बहुत सुंदर है और बहुत ही मन शांत हो गया मंदिर में जाके पूजा करके। आप लोग भी आना कभी मौका मिले तो, आसाम आएंगे तो यहाँ जाके बिल्कुल दर्शन करना, और बहुत ही अच्छा लगा हमें तो। देखिए बहुत ही अच्छा है, और ऐसे भी मंदिरों की दर्शन करते रहना चाहिए हम लोगों को, पता ही है, पूजा करते रहना चाहिए। और एक बार दिखाया है मैंने, देख लीजिए ये सब तो डिज़ाइन किया है, पर ये रेड पोस और वो पत्थर खुद निकला हो देवी माँ के रूप में, देख सकते हैं। इस मंदिर आए, पूजा किया, वो पूजा किया तो मैं नहीं दिखा पाई, और बाकी सब दिखाई मैं थोड़ा बहुत। अभी हम निकल रहे हैं, यहाँ फ़ोटो क्लिक हो चुका है। यहाँ देखिए मेरी मौसी फ़ोन पे लगी हुई है, अंजलि इधर उधर कर रही है, मेरी मम्मी लोग चले गए यहाँ, और हम यहाँ पे देखिए ये मंदिर देख सकते हैं कितने कितने मतलब ये तो बनाया हुआ है, पर अंदर जो है वो रियल है, फैक्ट है, जो निकला हुआ था, जो मैंने उस टाइम वीडियो पे जस्ट शूट किया था, आप देख सकते हैं। और गाइस ये मेरी मौसी है जिनका नाम सरस्वती छेत्री, ये अपनी चैनल बना रही है, न्यू चैनल बना रही है, तो गाइस इनको भी सपोर्ट कर देना, सरस्वती छेत्री नाम से है। और गाइस देखिए मंदिर सुंदर है, बहुत अच्छा है, रियल फैक्ट वाला मंदिर है गाइस,
सबली सपोर्ट करना। मेरा भी न्यू चैनल लगा है, सो पहले मेरा एक चैनल था जो मैं वो नहीं चलाती क्योंकि मैंने बहुत कम एक्टिव थी, तो उसमें कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे, तो मैंने न्यू किया है। तो यहाँ जितना हो सके मैं करते रहूँगी। और आज का ये देख सकते हैं, थोड़ी देर में हम वहाँ जाएंगे, जो व्यू बहुत अच्छे, रोड बहुत अच्छे, वहाँ जा रहे हैं। गाइस हम लोग निकल चुके हैं, देखिए मंदिर का बाहर का सीन ही है, सब लोग निकले, पूरा हवा हवा है यहाँ पे। वहाँ दिखा रही हूँ, वहाँ बहुत अच्छा व्यू दिखाई देता है गाइस, तो देखती हूँ मैं। तो गाइस मेरे भी चैनल सब्सक्राइब करना भूलो ना, जैसे ऐसा फोटो उठाने में जी ऐसा ऐसा उठेगा और तेरा हम जोगा। गाइस ये व्यूज़ देखिए, ऐसे है ना, इतना डर लगने वाला व्यूज़ है यहाँ पे। रास्ता भी खतरनाक है, ये सारा पहाड़ी एरिया। देख सकते हैं यार कितने हवा तेजी से आ रहे हैं, हमारे बालों का तो कोई ठिकाना नहीं क्या क्या हो गया है, सारा स्पा केराटिन खत्म हो गया है मेरे बालों का। देख सकते हैं बाहर है, मंदिर गए थे बाहर में थे, तो हम जा रहे हैं, यहाँ गाड़ी नहीं मिलती तो पैदल जा रहे हैं। हाय थक गई मैं तो, चलते चलते देख सकते कितने पेड़ है, पूरे जंगल है, तो इस वजह से हवा ज़्यादा तेजी से। थक गए हैं सब लोग।